आज है 1 दिसंबर और हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। पहला है युद्ध अभ्यास, ये एक जॉइंट एक्सरसाइज थी इंडिया और यूएस के बीच में जो उत्तराखंड में हुई। दूसरा है आनंद निलायम, ये एक 2 टीयर कनोपी होती है जो लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल तिरुमला में उसके सैंक्टम सेंटोरियम के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये एक डाटा है एक आर्टिकल से लिया गया द हिंदू के, इसमें बताया गया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में बताया गया था कि हर दूसरी महिला भारत में एनीमिक है, हर तीसरा बच्चा स्टंटेड और मलन्यूरिस्ट है और हर पांचवा बच्चा वेस्टेड है, ठीक है। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो रिपोर्ट थी, फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट 2021, उसमें बताया गया इंडिया की रैंक 101 में है 116 देशों में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 आया था और उसी में ही बताया गया था कि 15.3% पॉपुलेशन जो है वो अंडर नरिश्ड है और 30% बच्चे जो है वो स्टंटेड हैं और 17% बच्चे वेस्टेड हैं, ठीक है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2021 में भी स्टंटिंग की बात आई थी बच्चों में, ठीक है, और जो कि एशिया में सबसे हाईएस्ट बताया गया, एशिया में ये 21.8% था और सिर्फ ज़्यादा इंडिया में है। फूड में न्यूट्रिएंट ऐड करने के प्रोसेस को ही फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। जैसे राइस और व्हीट में आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी12 वगैरह ऐड किया जाता है और सॉल्ट में आयरन और आयोडीन ऐड किया जाता है, ठीक है। जब किसी डिसेबिलिटी या मॉर्टेलिटी की वजह से मतलब प्री मेच्योर मॉर्टेलिटी की वजह से जो ईयर घट जाता है उसी को डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स कहा जाता है, ठीक है। ये देखा गया है कि आयरन डिफिशियंसी एक मेजर कॉज है, मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, जिसकी वजह से 3.6% डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स होता है, ठीक है, ग्लोबली। ये WHO का डाटा था। उसके बाद दिनेश गोस्वामी कमेटी 1919 बनी थी इलेक्टोरल रिफॉर्म पे। इन्होंने बताया था, मतलब एक रिकमेंडेशन थी इनकी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसको प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए CGI और लीडर ऑफ अपोजिशन, या लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं तो उस केस में जो सबसे बड़ा ग्रुप हो अपोजिशन पार्टी का लोकसभा में, उसके जो लीडर हों उनसे कंसल्ट करके अपॉइंट करना चाहिए। और उन्होंने ये सेम क्राइटेरिया बताया था इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए भी, ठीक है। जो जिस हिसाब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाएं उसी हिसाब से इलेक्शन कमिश्नर भी अपॉइंट किए जाएं। ऐसे ही जस्टिस M.N. वेंकटचलैया के अंडर में एक बॉडी बनी थी, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें बताया गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो को अपॉइंट करने के लिए एक बॉडी बनानी चाहिए जिसमें PM, लीडर ऑफ अपोजिशन जो राज्यसभा में है और लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा में है, ठीक है, वो और लोकसभा की स्पीकर और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, इतने लोग हों उस बॉडी में, वो रिकमेंड करें नाम इलेक्शन कमिश्नर का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, ठीक है। उसके बाद लॉ कमीशन की जो 255th रिपोर्ट थी उसमें भी यही बताया गया था कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन बनाना चाहिए और एक 3 मेंबर का कॉलेजियम हो जो उस नाम को रिकमेंड करे। उस कॉलेजियम में PM, लीडर ऑफ अपोजिशन या जो लार्जेस्ट अपोजिशन हो लोकसभा में वो, और CGI, ये 3 लोग होने चाहिए जो उस नाम को रिकमेंड करें, ठीक है। और इलेक्शन कमिश्नर भी उसी हिसाब से हटाए जाएं जिस हिसाब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर हटाए जाते हैं। अभी आपको याद होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस है, पर इलेक्शन कमिश्नर को सिंपली हटाया जा सकता है। वो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट से कहते हैं कि इनको हटा दीजिए तो हटा दिए जाते हैं। उसी में है सेशन केस, ये TN सेशन जी के नाम पर है, वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, ठीक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो इलेक्शन कमिश्नर है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके पावर सेम है, ठीक है, किसी को भी अपर हैंड नहीं है। और इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। अगर दोनों इलेक्शन कमिश्नर चाहें तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फैसले को बदल सकते हैं, उनके पास ये पावर है क्योंकि वहाँ मेजोरिटी का फैसला माना जाता है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो रिमूवल था उसके बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो इम्पीचमेंट जैसे प्रोसेस के थ्रू रिमूव किए जाते हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आदेश पर कह सकते हैं उनको रिमूव किया जाता है, ठीक है। उसके बाद पाटलिपुत्र, इसको अजात शत्रु ने बनाया था, ये सोन और गंगा नदी जहाँ मिलती हैं वहाँ पर है, और इसके ये जो है मतलब अजात शत्रु के साथ साथ उसके बाद जो डायनेस्टीज आई, नंदा, मौर्य, गुप्ता, पालाज, इनकी भी कैपिटल रह चुकी हैं। इसका नाम पटना शेरशाह सूरी के टाइम पड़ा था, बाद में औरंगजेब ने इसका नाम अजीमाबाद रखा था, वो शॉर्ट टाइम के लिए था, बाद में फिर पटना हो गया। पटना जो है ये पाटलिपुत्र, ये पाटली ग्राम से निकल कर बना है, मतलब पाटली ग्राम एक गाँव है वही बढ़ के कहते हैं पटना या पाटलिपुत्र बना। और ब्रिटिश ट्रैवलर रॉयल फिंच ये 1586 में पटना आए थे। फिर 10th हेरात सिक्योरिटी डायलॉग, ये 1992 तजिकिस्तान में हुआ। उसके बाद जो
हमारी कोर इंडस्ट्रीज होती हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, उसका टोटल वेट 40% है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है डिजिटल लेंडिंग के लिए। डिजिटल इसमें बताया गया कि जो भी जितने भी ये मतलब डिस्पर्सल डिस्पर्सल या रिपेमेंट होंगे उसके लिए सबको एक बैंक अकाउंट मतलब बनाना पड़ेगा, जो बॉरोवर हैं और रेगुलेटेड एंटिटीज हैं दोनों को, ठीक है, चाहे वो बैंक हो या एनबीएफसी हो, उसके बिना कोई भी पेमेंट नहीं होगा। उसके बाद यूएनडीपी का प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये जनधन अकाउंट बनाएगा उन लोगों के जो ये जो वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है। फिर मणिपुर संगाई फेस्टिवल, ये 2010 में शुरू हुआ था, इस बार की थीम थी फेस्टिवल ऑफ वननेस, ठीक है। संगाई से आपको पता होगा संगाई डियर, ये मणिपुर का स्टेट एनिमल है, ये शेड्यूल वन कैटेगरी में आता है, जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके में, और ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है जो IUCN की रेड लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है, ये शेड्यूल वन में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, और अपेंडिक्स वन में आता है साइट्स के, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN की रेड लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये नागालैंड मनाया जाता है। इंडिया में नौ तरह के हॉर्नबिल पाए जाते हैं, ठीक है, ये बर्ड स्पेशीज है। जो सबसे फेमस है ग्रेट हॉर्नबिल, ये स्टेट बर्ड है केरला का और अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। IUCN में इसको नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी में रखा गया है, साइट्स में अपेंडिक्स वन में है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड माना जाता है, लेकिन ये नागालैंड का स्टेट बर्ड नहीं है, नागालैंड का स्टेट बर्ड ब्रिज ट्रैगोपान है। फिर है मैटरनल मोर्टैलिटी रेशियो, जिसको कहते हैं MMR, इसका मतलब होता है कि जो 1 लाख बर्थ हुए हैं उसमें कितनी महिलाओं की डेथ हुई है, ठीक है, 1 लाख लाइव बर्थ पर। इंडिया में प्रेजेंट रेशियो जो है वो 97 का है, ये 2018 से 20 के बीच का रेशियो है, ठीक है। इंडिया का जो टारगेट था नेशनल हेल्थ पॉलिसी में वो था कि 100 से कम लाना है हमको, ठीक है, ये संख्या 100 से कम लानी है, 100 डेथ जो है हर लाख बर्थ पे, ठीक है, लाइव बर्थ पे। SDG का जो टारगेट है वो 70 से कम पर है, और हमारे यहाँ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने ये अचीव कर लिया है SDG टारगेट अपना, ठीक है। उसके बाद तियांगोंग स्पेस स्टेशन, ये चाइना का है, तियांगोंग का मतलब है हेवनली पैलेस। इसमें तीन मॉड्यूल है, तियान है, वेंशियान और मैंगतियान, ठीक है। इसके भी अलग अलग मतलब है, तियान है का मतलब है हेवनली रिवर, वेंटियान का मतलब है क्वेस्ट फॉर हेवन, और मैंगतियान का मतलब है ड्रीमिंग ऑफ हेवन, ठीक है। तो ये था आज हमारे करंट अफेयर्स, सुनने के लिए धन्यवाद।